हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट कमरे में मेरी दोस्त सो रही है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर, तो इसलिए मैं क्विकली यहीं पे बैठ के मेरे वाले बेडरूम में रूटीन करूँगी। ओके, सो मैं फर्स्ट करूँगी स्क्रब। अभी मैं लगाऊंगी पापा का टिंट लिप बाम। अभी मैंने एकदम हल्का सा किया है बिकॉज मुझे इसके ऊपर लिपस्टिक लगाना है। ओके, नेक्स्ट इज जो मुझे डॉक्टर ने बोला था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे डार्क सर्कल्स होने वाला है इन फ्यूचर या हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए सुपर आई लिफ्ट का मैं रेटिनॉल है, मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ये इंडिया के फार्मेसी में भी मिलता है तो वेरी गुड, या अमेजोन में मिलता है, आई ट्राई टू सर्च द लिंक। थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे, हल्का सा, एक्चुअली ज़्यादा भी नहीं। सा ये लेके यहां पे भी कर देती हूं। जहाँ पे मुझे लगता है कि डार्क स्पॉट्स है, मुझे इसे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी। तो मैं कभी पहले बाल बनाती हूँ, कभी आई का करती हूँ, कभी पहले लिपस्टिक लगा देती हूँ। ऑल डिपेंड्स ऑन कि आज मेरा मूड क्या है, एंड मेकअप भी मैं कितने घाई में हूँ, बिकॉज मुझे आज बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो मैं टाइम लेके भी मेकअप नहीं कर सकती अब। उप्सी। ओके, सो ये है मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। ओके, इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इतना सा जहां पे मुझे पोर्स है एंड बम्स है थोड़े बहुत, वहां पे हल्के हाथ से अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, विच इज मैं पहले बेनिफिट का जो है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। इसका नंबर नहीं है क्या? ओके, नाउ आई नीड मिरर, बट इट्स ओके, आई डोंट हैव, आई डू हैव अ व्हाट, इट्स ओके। डर डर के अब मैं टार्ट का कंसीलर लगाऊंगी यहाँ पे, धीरे धीरे करेंगे ये, हम बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। नॉर्मली मैं आई करेक्टर लगाती अगर
मैं कहीं बाहर जा रही हो या एकदम ओकेशन में जा रही हो, बट एवरी डे मेकअप के लिए मैं नहीं करती हूँ, या आज मैं फाउंडेशन भी नहीं लगाऊंगी बिकॉज मैं घर पर हूँ मोस्टली, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, सो फाउंडेशन स्किप कर दूंगी। अभी वापस से हम हाथ में ले गए एंड नेक्स्ट आई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं पहले आई प्राइमर यूज़ करती थी, बट डिपेंड अगेन, अगर मैं बाहर जा रही हूँ एंड मुझे बहुत देर तक इस मेकअप को नहीं निकालना तो मैं आई प्राइमर लगाऊंगी, बट आज मैंने स्किप किया है क्योंकि मैं घर पे हूँ। अभी मैं जो बाकी के हल्के हल्के हैं, जो बचा है, जो नाक के अभी बराबर हो गया है, cause I guess, उसे मैं यहाँ लगा दूंगी। ओके, अगेन मैं ऐसे लूंगी एकदम थोड़ा सा, मैं बताती हूँ कहाँ पे। ये हल्का सा मैंने ले लिया एक डॉट की तरफ एंड यहाँ पे हल्का सा ले लिया, बिकॉज यहाँ पे हमारा डार्क एरिया होता है, लिटिल बिट शैडो, सो मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट करना चाहूँगी अब, और हल्का सा एंड यहाँ पे। दिस इज़ नॉट नीट नीट काइंड ऑफ मेकअप, आई वुड से दिस इज़ घाई वाला मेकअप, बट ऑल्सो नॉट टोटल घाई घाई। यहाँ पे कर दिया अभी, और हल्का सा, हल्का 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 हल्का। देखिए आप, अब हम इसे यहाँ पे हल्का सा पुश, हल्का सा एंड यहाँ पे अब क्यूटी पाई। अभी ये हो गया है, अब मैं इसे लॉक करने से पहले हल्का सा वापस से चेक कर लूंगी कि ये अच्छे से हो तो गया है कि नहीं, बिकॉज मैं घर पर हूं इसलिए मैं ज्यादा अवॉइड कर रही हूँ कि ज्यादा नहीं करूँ। नाउ आ गया ये हमारा फिक्सिंग पाउडर, बिकॉज ये इसी में है,
तो ऑलरेडी इसकी जरूरत नहीं है, हमें लग रहा है कि इसमें नहीं है बट है। यहाँ पे आप व्हाइट पैचेस देख सकते हो कि नहीं पता नहीं। सो मैं ट्राई कर रही हूँ इसे निकाल दूँ बहुत। आई डोंट नो आपको फर्क पता चल रहा है कि नहीं, बिकॉज ऑफ दिस ये स्क्रबर की वजह से मेरा लिप थोड़ा सा लिफ्टिंग लग रहा है। जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया है वहां वहां मैं इसे लॉक कर रही हूं। ओके ये होने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। अभी ये है Maybelline 882 Bold एंड ये है 233 Maybelline। अभी इसे पिंक रोज अभी क्योंकि मुझ पे ऐसा मुझे लगता है कि डार्क ज़्यादा सूट करता है तो मैं यही सिर्फ नहीं लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अंदर से इसे एक अभी आज मेरा मूड कुछ और है वरना मैं ये दो लिपस्टिक के साथ पूरा ही मैच मिक्स करके लगा देती, पर आज थोड़ा मुझे खेलना है इसके साथ। तो दैट्स इट। अब इसमें मैंने डार्क लिया, अभी इसी को मैं यहां पे कर दूंगी। आई विल टेल यू मैंने इतना नीचे भी क्यों लगाया है बताऊंगी मैं आपको, बिकॉज मेरी फेस के हिसाब से आई नो अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ये सेटल हो जाएगा बाद में, इसलिए मैंने इसे डार्क रखा है। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ मेरे फेस के शेप के हिसाब से तो ये डार्क सर्कल्स आप बोल सकते हो या आई बैग्स बोल सकते हो वो इनहेंस कर देता है मेरा, तो जब मैं इसे यहाँ पे छोड़ देती हूँ तो ये इतना पता नहीं चलता। तो बिकॉज मैंने यहाँ से भी ट्राई किया है, मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया है, बट जब मैं भले यहाँ लगाऊँ और इसे छोड़ दूँ तो ये इनहेंस नहीं होता है मेरा इतना एज कम्पेयर टू मैं वहां लगाऊ तो। ओके अभी हम इसे लेंगे अब ट्विंग 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 अभी हम यहां से इसे ही स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा और चाहिए मुझे। ब्रश यूज करती पर मेरी दोस्त सो ये मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तो जो मेरे पास मेकअप अभी अवेलेबल था मैंने वही लगा दिया। ओके अब आईलाइनर के लिए मुझे मिरर चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा तो मैं आईलाइनर लगा के आती हूँ। सो हेलो अगेन, मैंने आईलाइनर लगा दिया है, मैं मस्कारा छोड़ दूंगी बिकॉज मैं घर पे हूँ, मेरा हाथ वाथ चला जाएगा, आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। आई नो मैं बहुत ही मेस कर दूंगी। सो अब मैं बाल बना के रेडी होके मिलती हूँ आपको। सी या। हेलो, सो मैं रेडी होके अभी किचन में जाऊँगी एंड खाना बनाऊंगी। एक मेरा कॉल आया था अबाउट केविन क्रू, ऐसे मैं ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में एक कवर करूँ। तो प्लीज़ अगर आपको केविन क्रू के बारे में कुछ भी पूछना हो, आपको लग रहा है कि आप मुझे मैसेज करोगे और वो मैसेज इग्नोर हो रहा है बाय एनी चांस, बिकॉज मैं इंस्टा में
आती हूँ मैं, अपने कुछ भी पोस्ट करती हूँ एंड चली जाती हूँ। एंड अगर किसी को कैबिन क्रू का पूछना है सीरियसली, तो मैं सिर्फ उनको बोलती हूँ कि ये डे ये टाइम पे कॉल कीजिए, या आपके हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ कि फ्री हो जाओ, एंड उस हिसाब से हम कॉल में बात करें एंड सब क्वेश्चंस आंसर क्लियर हो जाए, तो उससे आपका भी टाइम बचेगा। सो प्लीज़, अगर आपको कॉल स्केड्यूल करना है इंस्टा में, तो आप सबसे पहले मुझे लिखे हाय हाउ आर यू, मुझे कैबिन क्रू के बारे में पूछना है। सो आई विल रियली टेक दैट सीरियसली कि ये जो इंसान है बस कैबिन क्रू के बारे पे ही बात करना चाहता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि कोई मुझे पूछता है हाय हाउ आर यू एंड यहाँ वहाँ की बातें, एंड इससे मुझे पता चलता है कि उनको कैबिन क्रू के बारे में नहीं बात करनी है। तो उससे जिन्हें बात करनी है, मैं उन्हें भी नहीं समझ पाती कि ये वाला किस इंटेंशन से मैसेज आया हुआ है।